मेरे दोस्त लोग भी किधर गए हैं पता नहीं, बहुत टाइम से अकेला ही घूम रहा हूँ मैं किले पर। ये देखो कोई भी नहीं है यहाँ पर। और ये देखो आज के कलाकारों ने क्या हाल बना कर रखा है यहाँ पर। एक के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है और बहुत सारे संख्या में है, बहुत जगह पर देखने के लिए मिलेंगे आपको। ये क्यों रखे है ये पता नहीं, आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। सच में यार कहते हैं पहाड़ों में घूमने के मज़ा ही कुछ अलग है। हाय गाइज, माय नेम इज़ गावनजी गायकवाड़, यू वाचिंग टू माय व्लॉग चैनल। तो दोस्तों फाइनली आज मैं एक ऐसे लोकेशन पर आया हूँ जो नासिक का नहीं तो पूरे इंडिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस और टूरिस्ट प्लेस है। वो क्या है ये देखो दोस्तों, ये हरिहर फोर्ट है जो कि नासिक से लगभग 30-40 किलोमीटर दूरी पर है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये लोकेशन है दोस्तों, ये फोर्ट है। और ये आज मैं यहाँ पर ट्रैक करने के लिए आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। मेरे दोस्त आगे गए हैं पूरे, ये देखो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये नज़ारा होने वाला है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहो, वीडियो पूरा देखो। तो चलो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। दोस्तों हरिहर फोर्ट जाने के लिए पहले यहाँ पर बाहर गाड़ी पार्किंग करनी पड़ती है, और अगर आपके पास खुद की गाड़ी हो तो बेटर है, क्योंकि इधर कोई भी गवर्नमेंट बसेस या कुछ भी नहीं है आने के लिए, इसलिए आप प्राइवेट गाड़ी से आ सकते हो। और इधर टिकट भी है, एक बंदे का 30 रुपये लेते हैं अभी। तो चलो ऊपर जाते हैं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो। चलो दोस्तों अभी मैं हम जा रहे हैं ऊपर। दोस्तों अभी आधे रास्ते में पहुंच चुका हूँ। देखो बहुत ऊपर तक आना पड़ता है, 3 घंटा लगता है ऊपर से नीचे आने तक। देखो चलो अभी फाइनली ऊपर तक आया हूँ दोस्तों। बहुत डिफिकल्ट है ये फोर्ट। दोस्तों फाइनली ऊपर पहुँच चुका हूँ मैं, बहुत ही ऊपर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर ज़्यादा ही ज़्यादा संख्या में लोग घूमने के लिए आए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, जन्नत का नज़ारा। यहाँ पर रील्स वगैरह शूट की है हमने। अभी और एक पॉइंट है ऊपर जहाँ पर जाना है, ये देखो पीछे। आज बारिश भी नहीं है लेकिन फिर भी इतना बढ़िया खूबसूरत मौसम है। देखो यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये नज़ारा है यहाँ का, आज का मौसम भी बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखो
सच में यार कहते हैं पहाड़ों में घूमने के मज़ा ही कुछ अलग है। देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ पानी के कुंड भी बनाए हुए हैं, जो कि ऊपर किले के ऊपर जो भी सैनिक रहते थे, तो इसी वजह से यहाँ पर पानी के कुंड बनाए हुए हैं। ये देखो, दोस्तों हरिहरगढ़ जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। देखो ऊपर भी होटल्स आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह मिलता है खाने के लिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा पानी का कुंड है और एक बजरंगबली की ये देखो एक मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, हर दिन आते हैं लेकिन सैटरडे और संडे के दिन ज़्यादा संख्या में आते हैं। दोस्तों ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये अभी के लोगों ने एक के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है और बहुत सारे संख्या में है, बहुत जगह पर देखने के लिए मिलेंगे आपको। ये क्यों रखे है ये पता नहीं, आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। देखो बहुत खूबसूरत मौसम है दोस्तों आज का। जो आपको दिखा तू मैं, ये देखो अंदर बहुत अंधेरा है इसलिए अंदर जा नहीं सकता मैं। और ये देखो आज के कलाकारों ने क्या हाल बना कर रखा है यहाँ पर। दोस्तों ये जो देख रहे हो आप, ये पुराने ज़माने में ऐसे इसमें अनाज जमा करते थे, जितने भी ऊपर सैनिक रहते थे उनके लिए यहाँ पर अनाज का गोडाउन बोलो आप, तो गोडाउन था ये अनाज का, जिसे कोठी भी कहते हैं। तो एक पुरानी तकनीक थी, मेरे दोस्त लोग भी किधर गए हैं पता नहीं, बहुत टाइम से अकेला ही घूम रहा हूँ मैं किले पर। ये देखो कोई भी नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। अगर आपको आना है यहाँ पर तो नासिक से आना पड़ेगा, नासिक रेलवे स्टेशन भी है, नासिक एयरपोर्ट भी है, जो कि नासिक से एक घंटे का रास्ता है, 30-40 किलोमीटर है नासिक से, तो नासिक से आना पड़ेगा आपको। ऊपर चढ़ने के लिए दोस्तों 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है, यानी कि आना जाना 3 घंटे लगते हैं पूरे, 3-4 घंटे आपके ऊपर डिपेंड है। हरिहरगढ़ ये जो है बहुत डिफिकल्ट इस किले का निर्माण किया गया है, चढ़ाई जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपको आना है तो आप खुद की गाड़ी लेकर आ सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में बंदर मौजूद है, तो आपको उनसे बचना है तो आपको एक ही काम पर करना पड़ेगा, आपको कुछ भी खाने की चीज़ हो तो ऊपर मत लेकर आया करो, क्योंकि उन्हें खाने का कोई भी चीज़ दिखती है खाने की तो वो तुरंत उसके ऊपर कूदते हैं और आपको उससे नुकसान भी हो सकता है। मुझे अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे।
दोस्तों अभी हम उतरने लगे हैं नीचे, मेरे दोस्त लोग आगे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये फॉल्ट है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम नीचे पहुंच गए हैं। अभी मेरे दोस्त भी नीचे अभी नहाने के लिए गए हैं, छोटा सा वाटरफॉल बना है वहाँ पर, तो नीचे गए हैं नहाने के लिए। तो अभी हम उतरे हैं नीचे, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक ट्रेक रहा दोस्तों मेरा, तो कोई एक मैंने कुछ प्लान भी नहीं बनाया था, मेरा ऐसे ही अर्जेंटली निकलना पड़ा दोस्त की वजह से। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं दोस्तों और एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बस इतना ही, चलो बाय बाय।